हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हेलो चार्ली, मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 41 मिनट की है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे 36 मिनट में मूवी ख़त्म हो जाती है। कहानी फोकस करती है चार्ली जो कि इंदौर से मुंबई आता है, क्योंकि उसके फादर ने काफ़ी लोन लिया और उस लोन की अमाउंट को चुकाने के लिए चार्ली को काम करना, तो इसलिए वो मुंबई अपने मामा के पास आता है। और वही दूसरी तरफ MD मकवाना यानी कि जैकी श्रॉफ, जो कि हमारे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोन ले चुके हैं और वो इंडिया से फरार होना चाहते हैं। तो ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे एक माइंडलेस राइड पे हम लोग निकलते हैं चार्ली और उस टोटो के साथ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यार धमाल, मालामाल वीकली, गोलमाल, अंदाज अपना अपना, फिर हेरा फेरी, प्रियदर्शन सर की बहुत सारी मूवीज़, इन सबको मिक्स करके इसके जो राइटर डायरेक्टर है पंकज सरस्वत, उन्होंने इस मूवी को लिख डाला है। ये तक नहीं सोचा कि ऑडियंस इस मूवी को देखने के बाद क्या रिएक्ट करेगी। और सीरियसली मेरी जैसी ऑडियंस, देखो यार मैं मेरी जैसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ रोज डेली देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मूवी ऐसी थी जिसमें आपको कुछ भी लॉजिक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर पुलिस वाले अजीब चूतिया है भाई, यहाँ पर डॉक्टर अजीब चूतिया है भाई, फॉरेस्ट रेंजर अजीब चूतिया है भाई, वहाँ के लोग अजीब चूतिया है भाई, मतलब यहाँ पर सेंस नाम की एक चीज़ भी देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसी सी जगह पे आपको हंसाने की कोशिश की जहाँ पर लिटरली आपको हंसी भी नहीं आती। हाँ, 6 से लेकर 12 साल के जो बच्चे हैं उनको हंसी आ सकती है, लेकिन हम जैसे लोगों को हंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर आपको हंसी आती है, जैसे कि जैकी श्रॉफ जब उस मंकी का ड्रेस पहनते हैं, तो उस टाइम पे जब वो रूम में जिस तरह से बिहेव करते हैं ना गोरिल्ला की, तो वहाँ पर आपको हंसी आती है कि यार मतलब किस तरह से कर रहे हैं। बाकी पूरे मेजर पोर्शन ऑफ द मूवी में मैं आपको ये कन्फर्मली नहीं कह सकता कि वो जो ड्रेस के अंदर वो जैकी श्रॉफ थे या कोई और बंदा एक्ट कर रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था बहुत ही अच्छा एक्ट कर रहा था, मज़ा आ गया देख कर। खैर, उसके अलावा खैर इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी और BGM की क्या बात करूँ यार, मतलब एकदम डिसेंट है। सर्कस में आइटम सॉन्ग कौन करता है यार, मतलब आज क्या बोलूँ, तुम लोग की वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है मेरे को। खैर, अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो आधार जैन रणबीर कपूर के कज़न है। कज़न का मतलब ये नहीं कि इतने ज़्यादा सिमिलर हो यार, मैनरिज्म यार, उनकी आवाज़ यार, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, लिटरली हर एक चीज़ ऐसा रहता है डिट्टो आप एक रणबीर कपूर की मूवी देख रहे हो, सस्ता रणबीर कपूर, जो कि मेरे हिसाब से आधार जैन को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आधार जैन को अपनी एक आइडेंटिटी लाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो रणबीर कपूर के कज़न है, इसलिए काफ़ी चीज़ें हमें सिमिलर फील होती है, लेकिन इतना सिमिलर हद होती है भाई, इतना सिमिलर। खैर, जैकी श्रॉफ सर की बात करूँगा तो यार उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। उसके अलावा जितने दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स थे, चाहे वो राजपाल यादव हो या वो दो लीड एक्ट्रेस हो, सब लोग ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से किया, यानी कि उनको बता दिया गया था कि ये कैसी माइंडलेस कॉमेडी मूवी बन रही, जहाँ पर आपको अपना माइंड घर पर रख के आना है शूट करने के लिए, और ऑडियंस भी अपने माइंड को फ्रिज में या अपने कबाट में या पता नहीं कहाँ कहाँ रखेगी, और तब वो लोग इस मूवी को देखेंगे। खैर, अच्छा हुआ मूवी को 1 घंटे 40 मिनट की रखो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर रखते तो ये मूवी जहर होती सीरियसली। डायरेक्शन की बात करूँ तो यार पंकज सरस्वत ने बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश की है कि उन सारी मूवीज़ को मिस करके एक परफेक्ट कॉकटेल बनाकर आपके सामने पेश करने की। अब ये कॉकटेल आपको पसंद आएगा या इसका कॉक आप लोग रहोगे मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि ये आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो। मूवी को मैं रेटिंग दूँ तो भाई 2 out of 5। तो यार बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये मूवी देखना है तो आप ज़रूर चेकआउट करो, और अगर आप लोग महाराष्ट्र में मुंबई में मेरी तरह रहते हो तो बाहर अगर लॉकडाउन लगा है तो बस फैमिली के साथ ये मूवी बेटर है आपका दिमाग का करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।